अबे यार, हम लोग के लिए कोई बात ही नहीं करता है यार। हम स्टूडेंट के लिए कोई बात ही नहीं, कोई हमारे राइट्स के लिए कोई बात ही बात नहीं तो करता सही है। है, मतलब बात तो सही है। अब ये भाई देख लो, अब देखो कल मैं लेट आया, कल मैं लेट आया तो वापस कर दिया। अच्छा हाँ, और भाई अगर लेट आ रहा है तो तुम्हारा क्या दिक्कत हो रहा है? मैं लंच के बाद वाले पीरियड में पढ़ लूंगा, लास्ट का छुट्टी का एक पीरियड में पढ़ लूंगा। अरे मेरा पैसा, मेरी मर्जी, मैं दे रहा हूँ। अब कल ही की बात है, कल हम चले गए थे वॉशरूम करने, अब क्लास से निकल के ऐसे गए, लेकिन तुमको ऐसे नहीं आना है, तुमको घूम के असेंबली का लाइन ऐसे करके आना है। अब बोलते एक चीज फॉलो करना, पता नहीं क्या डिसिप्लिन से कुछ करके बता रहे थे। अरे यार डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन तो चलो तुम ठीक है मेंटेन कर लो, लेकिन जो टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम टाइम का इन लोगों को कोई भी चिंता नहीं भाई, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। ये सब तो तुम सह लोगे, एक मैं तुम्हें तो सह ही नहीं पाओगे। क्या? डायरी नहीं होते, डायरी डायरी भरने वाले, ठीक है? अब वो बोलते हैं पेरेंट साइन करा के लाओ, उम्र की ओक नहीं। अब ये बताओ, अगर इंसान अपने पिताजी के साइन कर सकता है तो हम नहीं कर सकते साइन? बिल्कुल। अब कहा पापा को परेशान करे फालतू? अरे यार उनके लड़के हैं तो हम नहीं साइन करेंगे तो कौन करेगा? और क्या दिक्कत, हम साइन नहीं कर सकते उसमें? मतलब हम अपने अपने पिताजी का हक खो दें और साइन करा नहीं करा तो मारते भी हैं। अरे मारने से देखो मैं बहुत परेशान हूँ। देखो मारो मारो मारो, ये किल्ली क्यों मार रहे हो? अरे वो तो ठीक है, गुद्दा मारा, ये ऐसे ऐसे नोच लेते हैं। एक बार तो ऐसे ऐसे कर दिया मेरा, क्या यार प्रियांशु सर ना। देखो भाई ये सब मुझे बहुत तरह, और यार ये क्या नाटक लगा रखा है, रोटेशन रोटेशन। यार हम बैक बेंचर हैं, हम हमेशा पीछे बैठेंगे। और सीधी से पहली बात तो ये कि आप हमारे क्रश के साथ क्यों नहीं बैठा रहे हैं? हमारे क्रश के साथ बैठाइए ना। वो तो भाई करना चाहिए। अरे देखो तो मैं करता हूँ तो भाई, देखो बात वही ना कि तुमको अपना अपना तो पसंद है। जैसे इंग्लिश वाली मैम है और पीटी वाले सर हैं, अब इन लोग को चलना है, हमको सब पता है, लेकिन हम बताते किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि हमें टीचरों की चिंता है, इज्जत की चिंता है, इनको हमारा कोई चिंता नहीं है। कुछ नहीं, अब ठीक है यार, एक साल हद हो गई। एक टीचर आया, हम 8वीं क्लास में बोल रहे पढ़ रहे हैं, अब हमको बोल रहा है तुमको 5वीं टेबल नहीं आ रही है। हाँ। फिर नहीं यार, तो नहीं आ रही है, ऑन द अदर एंड दूसरी टेबल तो आ रही है ना। हाँ। मैं पूरा सुना है, 2 to 4, 2 to 6, 2 to 8, 19 पूरा सुना, खत्म। 2 to 19 होता है? हाँ तो सही तो है। और उसी पे थप्पड़ मार दे मुझे, है पता नहीं यार। देखो मानने का बहाना चाहिए, इसे जब हम आवाज उठा दें तो तुम नकारे हो, तुम बदमाश हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अरे तुम होते कौन है यार? हम तो हम तुमको पैसा दे रहे हैं और तुम हमें कुछ सिखा रहे हो। अब देखो यार, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरह हम नहीं सह पाएंगे यार। अब ये बताओ कि तुमने कल का क्या सोचा है? कल का भाई वो होमवर्क दिया गया, कर लेते हैं, सोच रहे हैं कंप्लीट कर लेंगे पूरा। कल का होमवर्क क्या है? होमवर्क करना है क्या? कर लेते हैं अपना। मार खाएंगे क्या? मार खा सकते हैं यार, क्रांति अपनी जगह, मतलब होमवर्क तो मतलब हो जाना चाहिए। क्यों? चल चलो फिर होमवर्क ही कर लेते हैं। चलो, लेकिन गुस्सा है अंदर।